हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। यह विधि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ किया जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन किया जाता है, उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी माता का यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और इसमें माता महालक्ष्मी की नित्य प्रतिदिन पूजा की जाती है। माता महालक्ष्मी का यह व्रत 3 तरीके से किया जाता है। या तो आप लगातार 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी की पूजा करें तो हमारी ये चौकी लगी रहती है, लेकिन कुछ लोग आखिरी दिन यह पूजा करते हैं तो उसी दिन चौकी लगाते हैं और माता महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ लोग पहले दिन व्रत करते हैं, उसके बाद 8वें दिन व्रत करते हैं और फिर 16वें दिन व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से यह व्रत किया जा सकता है। अगर आप आखिरी दिन यह पूजा करते हैं तो हमको यह चौकी पुनः लगानी पड़ेगी, और अगर लगातार पूजा करते हैं तो हमें चौकी दोबारा नहीं लगानी पड़ती है। तो अगर आप आखिरी दिन यह पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप पुनः चौकी लगा लें। माता रानी की चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएं, उनको अक्षत का आसन देकर के चौकी पर विराजित करें। यहाँ पर मैंने महालक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक को भी अक्षत का आसन देकर के विराजित किया है, भगवान गणेश को चौकी पर विराजित किया है, साथ में हमने गजराज को भी अक्षत का आसन देकर के विराजित किया है। आप अनाज की जगह पुष्पों का आसन भी दे सकते हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर चौकी पर अनाज से अष्टदल कमल बनाया है। फ्रेंड्स, आप अगर 16 दिनों तक लगातार पूजा कर रहे हैं तो आपको कलश की स्थापना प्रथम दिन ही करनी होगी, और अगर हम आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं तो यह कलश स्थापना एक दिन के लिए की जाती है। तो हमने यहाँ पर कलश ले लिया है। कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले लें। उस पर आप कंठ पर मौली बांध लें, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भर दें कंठ तक। इसके बाद हम इसमें हल्दी की गांठ और सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे। चूंकि यह कलश स्थापना हम माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम इसमें एक कौड़ी और साथ में हम कमलगट्टा भी डालेंगे, थोड़े से अक्षत डालेंगे, एक लाल पुष्प डालेंगे। माता रानी को लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है। उसके बाद हम जटा वाला नारियल लेंगे, नारियल पर हम मौली लपेट लेंगे, या फिर आपके पास चुनरी है या वस्त्र है लाल रंग का तो आप वो भी लपेट सकते हैं। इसके बाद हम कलश के मुख पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव के रूप में आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम नारियल का मुख ऊपर की ओर रखते हुए कलश पर विराजित कर देंगे। अगर आप नारियल को लिटा करके रखना चाहते हैं तो नारियल का मुख अपनी तरफ रखें। तो इस प्रकार से हम कलश स्थापना कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कलश स्थापना के समय कमलगट्टा या फिर कौड़ी नहीं डालना चाहते हैं तो आप अलग से माता रानी को अर्पित कर सकते हैं कमलगट्टा और कौड़ी, या फिर आप कमलगट्टा की माला भी अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। अब हम कलश को अष्टदल कमल पर विराजित कर देंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा में 16 धागे का, ये देखिए मैंने इसमें 16 धागे का 16 गांठ का धागा बनाया है। इस धागे का पूजन इस पूजा में जरूर किया जाता है। इसमें 16 गांठें लगी होती हैं। अगर आप 16 दिनों तक लगातार पूजा कर रहे होते हैं तो आप नित्य प्रतिदिन इसमें एक गांठ लगाएं। अगर आप आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं तो आप उसी दिन इसमें 16 गांठ लगा करके और चौकी पर रख करके पूजा करें। तो इस प्रकार से हमने ये धागा बनाया है और चौकी पर हमने पान के पत्ते पर अक्षत का आसन दे करके धागे को विराजित किया है। अब हम माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, पूजन हो जाने के बाद यह धागा या तो आप अपनी कलाई में पहन लें सीधे हाथ में, या फिर आप अपने गले में पहन लें। गले में अगर पहनना चाहते हैं तो उसके लिए धागा थोड़ा सा आप लंबा बनाएं। अब हम सबसे पहले सभी भगवान का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। हम भगवान गणेश को रोली लगाएंगे, माता लक्ष्मी को रोली लगाएंगे, गजराज जी को रोली लगाएंगे। इसके साथ में कथा की पुस्तक का भी पूजन करेंगे। हम दीपक का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक अवश्य रूप से बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा में मुख्य रूप से गजराज जी की पूजा की जाती है आज के दिन। वैसे तो 16 दिनों तक लगातार ही हमें गजराज जी की पूजा करनी होती है, लेकिन किसी कारणवश हमको गजराज जी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं उस समय, तो हमको आखिरी दिन इस दिन हमें जरूर से हाथी की पूजा करनी होती है। यह हाथी मार्केट में मिट्टी के आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी मिट्टी के हाथी बना सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह का हाथी मार्केट से ले आएं और उनकी पूजा जरूर से करें, और वो भी नहीं है तो आप हाथी वाली माता लक्ष्मी की फोटो जरूर लेके आएं जिसमें हाथी हो। इस प्रकार से हमने माता रानी, भगवान गणेश, गजराज जी और कलश का पूजन कर दिया है। सभी का पूजन हमने रोली, अक्षत और चंदन से किया है। उसके बाद हम भगवान गणेश को हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की है, जनेऊ अर्पित किया है। उसके बाद हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे, हो सके तो उनको लाल गुड़हल का पुष्प जरूर अर्पित करें। इसके बाद हमने उनको दूब घास अर्पित की है। इस पूजा में दूब घास का विशेष महत्व होता है। अगर आपको दूब घास अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाती है तो आप माता रानी को जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हमने माता रानी को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की है, गजराज जी को मौली अर्पित की है, कलश को मौली अर्पित की है हमने। आप माता लक्ष्मी को चुनरी भी उड़ा सकती है, जैसे की मैंने तस्वीर को चुनरी उड़ाई है। इसके साथ आप गजराज जी को भी चुनरी अर्पित कर सकते हैं या फिर कोई वस्त्र
भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने माता महालक्ष्मी को पुष्प अर्पित किए हैं, गजराज जी को हमने पुष्पों की माला अर्पित की है। हो सके तो आप माता लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर से अर्पित करें, क्योंकि माता महालक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है। अब हम भोग लगाएंगे। भोग में हमने सुरासुरी का भोग लगाया है। इस पूजा में 16 सुरासुरी बनाए जाते हैं, 16 मीठे बनाए जाते हैं और 16 नमकीन बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम माता महालक्ष्मी को फलों का भोग लगाएंगे और आप गजराज जी के लिए केलों का भोग तो जरूर से लगाएं, क्योंकि गजराज जी को केले अति प्रिय हैं। उसके बाद हम सभी को इत्र अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ेंगे। 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से हम माता महालक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी की यह पूजा शाम के समय की जाती है। अगर आप 16 दिनों तक लगातार पूजन करती हैं तो आप शाम के समय करें, और अगर आप केवल 16वें दिन यह व्रत पूजन करती हैं तो भी आप शाम के समय करें। सुबह के समय आप नॉर्मल पूजा करें अपने घर के मंदिर में और व्रत का संकल्प ले लें माता महालक्ष्मी के सामने, और उसके बाद शाम को चौकी लगा करके आप इस प्रकार से पूजन करें। इस प्रकार से हमारी कथा पूर्ण हो जाने पर हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प है उनको हम माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे और हम माता महालक्ष्मी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद हम माता महालक्ष्मी को सिंदूर दान करेंगे। माता महालक्ष्मी की इस पूजा में सिंदूर दान अवश्य कीजिएगा। यह सिंदूर दान आप 5 बार 7 बार कर सकती हैं। और अगले दिन जब हम माता महालक्ष्मी की चौकी का विसर्जन करेंगे तब माता महालक्ष्मी से सुहाग अवश्य लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम माता रानी के नाम का हवन करेंगे। चूंकि यह बड़ी पूजा होती है, उद्यापन होता है इस दिन, तो आप छोटा सा हवन जरूर करें। हवन करने के लिए मैंने हवन का पात्र लिया है, उसमें मैंने रोली से स्वास्तिक बनाया है। और इस तरह से हम हवन के पात्र को रोली से चंदन से टीक लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हवन नहीं करते हैं तो आप इसके बाद यानी कि माता को सिंदूर दान करने के बाद उनकी आरती करें, पूजन करें और उनसे क्षमा याचना करें। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप हवन करते हैं, पहले हवन करेंगे, उसके बाद पूर्ण रूप से पूजा हो जाने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। हवन करने के लिए मैंने उपला लिया है। आप इस उपले को आंच पर पका भी सकते हैं। इसके अलावा आप आम की लकड़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कपूर रखा है। इस तरह से आप अग्नि प्रज्वलित कर लें, चाहे तो आप घी की आहुति दे करके भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपका उपला पका हुआ है तो आप घी की आहुति दें, उससे भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम हवन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने घी की 5 आहुतियां भगवान गणेश के नाम से दी है। उसके बाद हम ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस तरह मंत्र का जाप करते हुए हवन सामग्री से आहुति देंगे, घी से आहुति देंगे। 1 लौंग का जोड़ा अर्पित करेंगे, इलायची अर्पित करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि प्रत्येक आहुति पर आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस तरह मंत्र का जाप जरूर करें। इसके साथ में हवन कुंड में हम थोड़ी सी धूप घास भी अर्पित करेंगे। धूप घास को आप छोटा छोटा तोड़कर हवन कुंड में जरूर अर्पित करें। अब इसके अलावा हमने जो भी भोग माता महालक्ष्मी को लगाया था उसको हम हवन कुंड में जरूर अर्पित करेंगे। कहते हैं कि जो भी भोग हम हवन कुंड में हवन के समय अर्पित करते हैं वह सीधा भगवान को लगता है। तो हमने यहाँ पर सुरासुरी का भोग लगाया था, वो हम इस हवन कुंड में अर्पित करेंगे। इसके साथ में हमने मिठाई का भोग लगाया था, उसको भी हम इस हवन कुंड में अर्पित करेंगे। अब हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से 1-1 आहुति जरूर देंगे ताकि उनकी भी सुख समृद्धि बनी रहे। और फ्रेंड्स, जब भी कोई हवन किया जाता है तो अपने कुल देवता के नाम से आहुति जरूर दी जाती है, अपने इष्ट देवता के नाम से आहुति जरूर दी जाती है। साथ में जिन भी देवी देवताओं की पूजा हम प्रतिदिन करते हैं उनके नाम से आहुति हवन कुंड में जरूर दी जाती है। अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर हवन करते हैं तो वह अपनी अपनी आहुति स्वयं दे लेते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हवन करते हैं तो आप उनके नाम से आहुति जरूर दें। तो इस प्रकार से हम हवन करेंगे। हवन पूर्ण हो जाने के बाद हवन के चारों ओर हम जल घुमाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे और हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी मांगेंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे और दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर सके। इसके बाद हम माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे। माता महालक्ष्मी की आरती इस दिन हम 16 दीपक से करेंगे। अगर आप आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं यानी कि आप सिर्फ इसी दिन पूजा करते हैं अंतिम दिन, तो आप 16 दीपक से माता महालक्ष्मी की आरती करें। अगर आप प्रत्येक दिन यानी 16 दिनों तक लगातार माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, तो आप 1 दीपक से भी कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन माता महालक्ष्मी को 16 दीपक का दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे और भगवान विष्णु की भी आरती हम इस पूजा में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी उद्यापन पूजा विधि संपन्न हो जाती है। अब हमने जो धागा तैयार किया था 16 धागे का 16 गांठों वाला, आप इसे चाहे तो सालवर अपने हाथ में बांध सकते हैं या फिर गले में भी पहन सकते हैं। और अगर आप सालवर नहीं पहन सकते हैं तो आप 1.25 महीने तक कम से कम इस धागे को जरूर पहने। इससे माता महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। और आप माता रानी से सुहाग पूजा संपन्न हो जाने के बाद भी ले सकती हैं।
हैं, नहीं तो आप अगले दिन जब चौकी का विसर्जन करें तब भी आप माता लक्ष्मी से सुहाग ले सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।